नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक्स क्लब। दोस्तों, मनीष जी का सेट सेवन का जो जलियक्ष का डाइजेस्ट था, उसका दोस्तों सिंगल्स भी अवेलेबल हो गया है। तो दोस्तों, हमारे पास वो पहुंच चुका है, उसको रिव्यू कर लेंगे अभी। दोस्तों देख सकते हैं, टोटल सेवन इसमें कॉमिक्स हैं इस सीरीज में, देख सकते हैं फाइन कट है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी सेवन कॉमिक्स हैं, जो है जलियक्ष, गुड़ुकू, टेडी पूछ, बलि के बकरे, दूध घास, अंगूर खट्टे और सातवां घोड़ा। दोस्तों बताना चाहूँगा, ये सभी कॉमिक्स जो है ये ऑल सेट डिटेल के साथ में छापी गई हैं और ये सभी लार्ज साइज में हैं। मनीष जी द्वारा प्रकाशित की गई हैं, प्रकाशित की गई हैं ये। तो जल्दी से इनको रिव्यू कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जलियक्ष के साथ, जो इस सीरीज़ की सबसे पहली कॉमिक्स है। दोस्तों देख सकते हैं ग्लॉसी कवर है, और कवर देख ही सकते हैं आप, प्रिंटिंग कैसी ज़बरदस्त की हुई है, कलर कितने निखर के आ रहे हैं, लैमिनेटेड है। मूल्य बता देता हूँ दोस्तों इसका, 65 रुपये इसका मूल्य है। ठीक है दोस्तों, अंदर की तरफ चलते हैं, देख सकते हैं ऑल सेट डिटेल है यहाँ पे, देख पा रहे होंगे आप। ठीक है दोस्तों, हमारी ये सभी वीडियोस 4K में अवेलेबल है। इन केस अगर आप क्वालिटी इन्हेंस करके देखना चाहें तो आपको बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये 8 पेपर है, और देख सकते हैं इस पर कलर देखिए दोस्तों कितने निखर के आ रहे हैं, दोस्तों एकदम गजब, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे निकल के आ रहे हैं, देख सकते हैं। और लार्ज साइज में तो ये बहुत ही बढ़िया लग रही है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बनाई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तारीफ में जितने शब्द कहे जाए उतना कम। 40 पेज में ये कहानी आगे कंटिन्यू हो जाती है, कुकड़ुकू पे 9 एक्स्ट्रा पेजेस, आँख मिचोली और पीछे कवर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कुकड़ुकू की तरफ। दोस्तों देख सकते हैं अगेन 65 रुपये मूल्य है दोस्तों इसका, कुकड़ुकू ऑल सेट डिटेल है, अगेन सेम क्वालिटी का कवर इन्होंने यूज़ किया है और सेम क्वालिटी का पेपर यूज़ किया है। तो दोस्तों ये पूरे सेट में सेम क्वालिटी का कवर और सेम क्वालिटी का पेपर यूज़ किया हुआ है, तो बार बार इसको मैं नहीं बताऊँगा, आप समझ सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो प्रिंटिंग की क्वालिटी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं कलर कितने निखर के आ रहे हैं, और 8 पेपर है दोस्तों, बहुत बढ़िया फील आ रहा है दोस्तों, जितना इस वीडियो में दिख रहा है उससे कहीं बेटर इसका फील आ रहा है। खैर जल्दी से मैं इसको आगे करता हूँ दोस्तों। कुकड़ुकू जो है वो समाप्त है, लेकिन एक कहानी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ये टेढ़ी पूछ में आगे ये मूव ऑन कर जाती है दोस्तों, 5वां शिकार पीछे, कोई और एड की कोई इन्होंने कोई पेजेस नहीं डाले हैं, 5वां शिकार और ये पीछे कुछ एड्स हैं बैक साइड पर। दोस्तों इसका कवर दिखा देता हूँ एक बार आपको, ना खोल के, अच्छा ये ऐसी है, ठीक है ठीक है। टेढ़ी पूछ इस सीरीज में अगली जो कॉमिक्स आती है वो है टेढ़ी पूछ, इसका मूल्य है दोस्तों 75 रुपये, इसमें पेजेस की संख्या थोड़ी ज़्यादा है दोस्तों, और इसमें ऐड की डिटेल भी है, तो ये कुछ 48 पेजेस है दोस्तों, 75 रुपये में 48 पेजेस, अगेन सेम सॉर्ट ऑफ सेम क्वालिटी का कवर इन्होंने यूज़ किया है, सेट डिटेल्स देख सकते हैं दोस्तों, और 8 पेपर पे प्रिंट किया गया है, देख सकते हैं। टेढ़ी पूछ दोस्तों बहुत ही बढ़िया लग रही है ये। चलिए पीछे की तरफ चलते हैं, देखते हैं पीछे क्या है। ये अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे क्रमशः वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, बट हमें पता है कि ये आगे मूव ऑन कर रही है, ओल्ड एड्स, इसके बाद जो आती है वो आती है बलि के बकरे। तो दोस्तों बलि के बकरे इसको देख लेते हैं, इसका मूल्य है 75 रुपये, जो कि यहाँ पे मार्क है, अंकित है बलि के बकरे, ओल्ड सेट डिटेल, 8 पेपर पे प्रिंटिंग क्वालिटी आप देख ही सकते हैं, देखिए कलर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा निखर के आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बनाई है दोस्तों, मेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है।
अगेन ये 48 पेजेस में जा रही है और ये कहानी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। पीछे दूध घास की ऐड है, थांबा रेमश्रू बाबिनी पंचनाग की ऐड, सुपरमैन हल्ला की ऐड नागराज के बाद। दोस्तों बिग साइज में है तो ये बहुत ही अच्छा फील दे रही है दोस्तों दूध घास। चलिए इसको देख लेते हैं, अगेन ऑल एड के साथ है। देखिए प्रिंटिंग देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया। दोस्तों मूल्य बता देता हूँ इसका, इसका भी मूल्य 75 रुपये है, तो 75 रुपये मूल्य है तो हम समझ सकते हैं कि ये 48 पेजेस में गई होगी। ठीक है, पीछे अंगूर खट्टे की ऐड, कुछ वेरिएट कुछ डिफरेंट एड्स, महागुरु भोकाल की ऐड, राज रजतज वर्ष के 4 अनुपम भेंट, गोल्डन रेसर की ऐड, सुपरमैन हल्ला बॉल की ऐड और नॉन इन की ऐड। ये थोड़ा सा ये लेमिनेशन की प्रॉब्लम आ रही है पीछे की तरफ, बट ठीक है इतना चलेगा, इतना कोई इशू नहीं है बैक साइड पे है तो। अंगूर खट्टे दोस्तों देख सकते हैं, इसका मूल्य बता देता हूँ, ये भी 75 रुपये की दोस्तों, तो ये भी 48 पेजेस में जाएगी। चलिए देखिए दोस्तों ऑल सेट डिटेल देख लीजिए एक बार, प्रिंटिंग की क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों, आर्ट पेपर पे प्रिंटिंग बहुत अच्छी आती है दोस्तों, बहुत खूबसूरत लग रहा है। कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों और ये सातवां घोड़ा जो अगला इस सीरीज में अगला एडिशन है, चांदनी चौक टू चाइना, गोल्डन हीरो, स्वर्ग हेतु, छापित रक्षक, स्टेचू, टोमो, अभिशप्त की है। सातवां घोड़ा ये आखिरी कॉमिक्स है इस सीरीज की। देखिए होल सेट डिटेल देख सकते हैं दोस्तों, सातवां घोड़ा प्रिंटिंग देख सकते हैं दोस्तों, कलर देख सकते हैं। बयालीस पेज में कहानी खत्म। गदाधारी पंखेलाल, चांदनी चौक टू चाइना, ओल्ड इज गोल्ड, शापित रक्षक, गेम ओवर, अवशेष, शिकाता गागई और अभिशप्त की ऐड। दोस्तों इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है इन कॉमिक्स में, इनके जो पीछे बैक साइड के जो लेमिनेशन है उनमें थोड़ी दिक्कत है, बट इतना एडजस्टेबल है इतनी सस्ती प्राइसिंग में तो ठीक है, बट यस ये नहीं होता तो और भी अच्छा था। तो दोस्तों ये मनीष जी का जो जलयक्ष वाला सिंगल्स वाला सेट है ये बहुत कमाल का है दोस्तों, बड़े साइज़ में है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, और आर्ट पेपर पे तो क्वालिटी बहुत ही निखर के आ रही है। अगर काश इसका सी भी मिल जाता तो मज़े आ जाता, अगर मनीष जी इसका सी भी ला देंगे तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज़ ये तो बहुत बहुत ही बढ़िया है कि हमारे हाथ में ये पूरी सीरीज़ इतने किफ़ायती रेट में आ गई। तो दोस्तों अगर आपने इसको अभी तक नहीं लिया है तो ये बहुत रिकमेंडेड है, ये ज़्यादा छपे भी नहीं होंगे ये और मार्केट में मिलेंगे भी नहीं बाद में, तो इमीजिएटली लो, ले लो दोस्तों, क्योंकि ये तो वैसे भी नहीं इतनी सस्ती है कि, और ये बड़े साइज़ में है, इस साइज़ में तो वैसे भी इतने कम प्राइस में तो कोई भी नहीं लाने वाला था। तो हमारा रिव्यू यही रहेगा दोस्तों, इसको श्योर शॉट विनर है, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा, धन्यवाद।